अरे बुलाया था तुमने, पैसे भी लिया, वो भी बता। हाँ वो सीक्रेट है, सिर्फ मैंने 200 ही लिया था। 200 ही। बारिश हो गई ना गाइस, आप लोगों को मैं आइडिया दे रही हूँ, ऐसे करो तो आपको बीमार नहीं पड़ेंगे, सिर में पानी नहीं गिरेंगे, है ना। एक प्लास्टिक चाहिए। और हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इतनी गोरी लग रही हूँ क्योंकि ये सामने है, इसलिए इतनी ज़्यादा गोरी लग रही हूँ, ये पहले बता देती हूँ। मैं यहाँ पर क्यों हूँ, यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि बाहर पर जो है बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और मैं कैसे घर जाऊँ कि मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। मैं यहाँ पर रील्स बनाने के लिए आए थे तो यहाँ पर यही मैं रुक गई। देखो कितना तेज बारिश हो रहा है, देखो देखो एक नया देखो। ओह माय गॉड, बाहर कितना काली लग रही हूँ। अभी तो सिर्फ बच्चा है 6, वो भी इतना अंधेरा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। बारिश के मौसम है क्या इतना बारिश हो रहा है, नहीं पता मुझे बारिश के मौसम है या क्या मौसम है। बस मुझे एक मौसम पता है, वो है दिसंबर, और दिसंबर में भी है ना यहाँ पर ठंड भी नहीं होता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे बर्थडे की मंथ है, इसलिए मुझे पता है, वरना तो मुझे फिर पता नहीं चलती। क्योंकि बैंगलोर में मतलब ठंड नहीं होती है ना, इसलिए नहीं पता चलता। अगर ठंड होती तो पता चलता अरे हाँ दिसंबर आ गई है। मैं वहाँ पे बैठ बैठ के बोर हो गई, इसलिए मैं पबीना की दुकान आ गई। किधर वो बैठ रहा है? मैं वहाँ पर बर्गर की दुकान में बैठ हुई थी। बर्गर की दुकान में बैठे क्या मिलता वो? नहीं, वहाँ पे मैं रील्स बना रही थी ना, बारिश हो रही थी तो मैं इधर नहीं आ सकती थी। आ गई है पबीना, मैं तुमको बहुत मिस किया। क्यों मिस किया? कितने दिन हो गई मैं इसकी दुकान नहीं आई। भी नहीं है। अच्छा, मेरे YouTube पे भी आएंगे आएंगे कॉपीराइट राइट राइट। चलो हो गया, तुमको मिलने के लिए आई हूँ। कितना ठंड है यार इतना मॉल पे, बहुत तेज बारिश हो रहा है बाहर पे ना, ऐसे लाइट ग्रोम ग्रोम हो रहा है। मैं आज जवानों की झोल पका रही हूँ आपको। जवानों की झोल क्या होता है? जवानों की अजवाइन की झोल। अच्छा, अजवाइन की सूप। सूप हाँ, हम लोग गोरखारी में है ना सूप को झोल बोलते हैं, झोल। और जवानों की सूप जो है ना वो ठंड में बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर वो भी होता है, जलन होता है अगर पीने के बाद। आलू भूटूंगी, आलू फ्राई करेंगे क्या? भूटूंगी ओके ना, जवानों को झोल बनाऊंगी एंड खुर्सा। एनीवे मिर्ची खुर्सानी बोल रहे हैं, मिर्ची की अचार। ये है नींबू की अचार, आपको दिखाती हूँ। खुशबू आ रही है मेरा बता? दिल का ये मिर्ची, मिर्ची का अचार है। ये है तमियादी का अचार, ये क्या नींबू का अचार, नींबू का अचार। इससे मैं ऐसे मौसम में जो है ना, मुझे क्या खाने का बहुत अच्छा लगता है पता है? क्या खाना अच्छा लगता है क्या ऐसे मौसम में है ना, ऐसे आग ऐसे तालते हुए, ऐसे हाथ पे तालते हुए एक चाय और एक बिस्किट। ओ हो हो, एक पकौड़ा। ओ हो हो, मेरे मुँह पकौड़ा तो बोल क्या, बिस्किट खाएगी? बिस्किट भी अच्छा लगता है मुझे, पकौड़ा। तुमको पकौड़ा बनाना आता है? आता है। मेरी मम्मी जाने देती है तो मैं तुम्हारे घर चली जाती है एक दिन के लिए, है ना। तुम क्या क्या बनाती है? पानी पूरी बना के खाए थे ना, मैं तुमको पिक्चर भेजी थी। हाँ पानी पूरी इतना मेरे मेरे माओ मुंह पे है ना, इतना क्या बोलते है उसको, पानी आ गए थे तुम्हारा पानी पूरी। मैं भाई को इनवाइट करी थी घर में खाने के लिए, मैंने पर तुमने उन लोग से पैसे लिया ना, मत बोलो पनीर पकाया, उसने इनवाइट किया उसके बाद पैसे तो लिया है, मुझे पता है। ये तो मैंने ये पकाया था, मैं आपको दिखाऊंगी, खा खा के खत्म होने के बाद मैंने फोटो लिया है। खा के खत्म होने के बाद फोटो लिया है तो क्या है दिखाएंगे आप? क्या है दिखाएं? ये पनीर की सब्जी था खत्म, दाल, ये चटनी मैंने बनाया, इन लोगों को खाने बुलाया था। खाने बुलाया था तुमने, पैसे भी लिया, वो भी बता। हाँ वो सीक्रेट है, सिर्फ मैंने 200 ही लिया था। 200 ही। बुफे बुफे जितना खाना है उतना खाना। मैंने झूठ भी बोला, मैंने बोला वो नूडल्स भी होगा वहाँ पर, रिजल्ट नहीं था। नूडल्स भी होगा पर नूडल्स नहीं था, और तुमने 200 मांगा। हाँ। मैं कहा ये बहुत ज्यादा महंगा है, भाई को जाके पूछो 200 का फायदा हुआ। हाँ क्योंकि मोहन जब आया मोहन था, मत बोलो बॉयफ्रेंड बोलो, मोहन किसको नहीं पता है, मेरा बॉयफ्रेंड मोहन। हाँ, हाँ। वो आया था मुझे पिकअप करने के लिए तो हाँ, मैं सो रही थी। हाँ। उसने कॉल किया, कहाँ हो? मैं सो रही थी। मैंने बोला ओके मैं मैया को भेज दूंगी, रुक जाना वहाँ पर। एंड मैया को बोला ओके तुम रेडी हो ना तो मोहन के साथ जा और मुझे 50 बार दे साइन वो बाइक के लिए, और उसने मुझे 50 दिया, मोहन के साथ गई।
रास्ते में उसने आप लोगों को पता है पपीरा को बाइक चलानी आती है। हम लोग जाएंगे बाइक से है ना, पूरा बैंगा घूमेंगे बाइक पे। तुम बाइक चलाना, मैं पीछे बैठोगी ब्लॉग बनाऊंगी। वो बाइक भी है, वो छोटा सा बाइक अभी भी है हेमा के घर पे। हाँ, एक दिन तो इसने है ना मुझे लेके गए है इसके घर, चाबी भूल गई थी इसने तो है ना, ये लेके मुझे इतना डर लग रही थी कि ये बाइक चला रही थी, मुझे ये शॉर्ट गर्ल है ना तो मुझे इतना डर लग रही थी अगर ये गिर जाएंगे तो है ना इसका पैर तो जमीन में नहीं आएंगे तो मैं क्या करूँ। मैं ऐसा उससे भी ज्यादा क्या है ना गाइस, उस दिन मैं दुकान आई थी और क्या भूल गई थी, आई थिंक आई डोंट नो समथिंग भूल गई थी और हमें लेने जाना था और हमने बॉस को झूठ बोला कि हम टॉयलेट जा रहे हैं और समथिंग हमने क्या बोला था, हाँ टॉयलेट जा रहे हैं। उसके बाद हम बाइक लेके मेरा घर इतना 15-20 मिनट है जाने 15 मिनट आने 15 मिनट इतना आधी घंटा वो ममता के चेहरे इतना हो गया, मैं क्या बोलूँ बॉस को और मैं भी मेरा चेहरा इतना हो गया था इससे झूठ बोल के गई थी और मैं भी इसके साथ जाना चाहती थी क्योंकि क्योंकि ये अकेली थी तो ना तब क्योंकि मुझे बाइक ना वो बहुत ज्यादा पार्क है उसके बीच में बाइक निकालना नहीं सकती क्योंकि बाइक जो है वो भारी है, मैं बहुत छोटी हूँ पर इसने बाइक चलाई, देखो इतनी छोटी घर ने बाइक चलाई हो गया। तो अभी मैं और पबीना जा रहे है बिक्सी क्योंकि इसको कुछ लेना है तो मैं इसके साथ जा रही हूँ। उनकी 7:30 बज चुके हैं हाँ। और 8 बजे जाऊंगी तो बहुत भीड़ होगी, इसीलिए बहुत ज्यादा भीड़ होते हैं ऐसे उस बिक्सी पे तो हाँ। बहुत सारे कस्टमर बंद करने का टाइम आ गया है, बिक्सी 8 बजे थोड़ी ना बंद होता है, 10 बजे बंद होता है। चलो तुम्हारा शॉप कौन देखेगा फिर, क्या भाई भाई देख देगा। चलो मुझे भी है ना वो खरीदना था मामा, पता नहीं वहाँ पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वहाँ मिल जाएंगे वहाँ पर 7-11 और बिक्सी एक ही है, दाम है क्या एक ही है, एक ही है क्या, तो फिर मैं 7-11 में खरीद लूँगी। पर हमारे साथ मैं चलती हूँ क्योंकि तुमने भी मेरे बहुत हेल्प किया है तो मेरा भी होता है तुमको हेल्प करना। पेप्सी यहाँ आ जाओ। हेलो करा तो हम लोग पहुंच चुके हैं बिक्सी। क्या लिया तुमने? खन्ना बोलते हैं इसको, सूप बनाने के लिए, सूप में डालते हैं, ये वेजिटेबल के लिए है, वेजिटेबल के लिए है। अभी ना पैसे दे रही है बस ये लेने के लिए आई बिक्सी। 7-11 में मिल जाती ना, अच्छा नॉन वेज ही मिलता है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फिर से दुकान, मैं घर जा रही हूँ। अब मैं घर कैसे जाऊँ, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, बारिश भी अभी तक रुका नहीं है। नहीं वो मेरी नहीं है, वो किसी और के लेके चले गए। अब मैं घर कैसे जाऊँ, चल के बच्चा प्लास्टिक सर पे डाल, हाँ प्लास्टिक दे दो, मैं जा रही हूँ। अब एक का पाँच भी बिजनेस करती है गाइस, फ्रेंक को भी मैं किसी को नहीं छोड़ती, मैं इसको सर पे डाल के जाओ ऐसे मैं बना देती हो गया है। चलो अब मैं चलती हूँ घर, अब मेरे सिर पे मैंने ऐसे कर दिया है। देखो जब भी बारिश हो गई ना गाइस, आप लोगों को मैं आइडिया दे रही हूँ, ऐसे करो तो आपको बीमार नहीं पड़ेंगे, सिर में पानी नहीं गिरेंगे है ना। एक प्लास्टिक चाहिए और एक रबर बैंड चाहिए अगर आके बाल लंबा हो तो। अरे मैं जा रही हूँ घर, मुझे छाते की ज़रूरत नहीं पड़ा, बाय बाय। अगर तुम खाना बनाए कुछ बचा तो मेरे लिए लेके आना, बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे ना, पता था। सब लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे क्योंकि मैं ऐसे बना के जा रही हूँ ना। पहुँच गई हूँ घर, अब इसको उतार देती हूँ, छत तो भीग गई ठीक है, पर जो बाल है वो नहीं भीगी। ओके देखो पानी हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर डे। कैसे लग रही हूँ मैं आज, यही मेरी अफित थी, मेरे फोन गिनने वाले थे तभी मैं जा रही हूँ जॉब पे। आई लव माई जॉब ऐसे बोल के जाना पड़ता है, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होते है ना, तो ऐसे ही बोल के जाओ। आई लव माई जॉब गाइस, कर रहा था ना मुझे सपना आया था सांप का, है ना। सांप का सपना आना अच्छी बात है या अच्छी नहीं है मुझे ये बताओ, है ना। जब मुझे ना बहुत बड़े सपने था मेरे, लंबा था ऐसे, बहुत बड़े नहीं लंबा सपने था। जब मैं सुबह उठी ना तो मैं सब भूल गई, सिर्फ मुझे यही याद है हाँ ये सांप था, बस वही याद है। आप लोग के साथ भी ऐसे होता है क्या, जब आप रात को सोते हो सपने आते हैं फिर सुबह हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, कभी कभी याद भी होता है, कुछ कुछ याद हो जाते हैं, पर
आज तो मैं सिर्फ मुझे थोड़ा सा याद रह गए, मैं सब कुछ भूल गई। ऐसे क्यों होता है?